नमस्कार, सुमनलता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी रेसिपी, और इतनी जल्दी बन जाएगी कि मतलब ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी करे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये एक कटोरी में बेसन लिया है और ये मटर है, इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और एक हरी मिर्च ली है, ये मिर्च तीखी है ना, तो हमने एक ही ली है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हो। और ये चार पांच लहसुन की कलियां हैं, तो हम इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और ये कट किया हुआ धनिया है, और एक बड़ा हमने प्याज लिया है, तो इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए हम इनको मिक्स कर लेते हैं। और ये मटर है ना, तो इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और ये हरी मिर्च और लहसुन, इनको ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा मतलब पीसना है कि इसमें घोल में हम इसको मिला सकें। ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया इसका, अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, नमक थोड़ी सी हींग। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें मतलब घोल बनाना है, जैसे मतलब चीले का घोल होता है ना, तो उस टाइप से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के हम इसको घोल तैयार कर ले रहे हैं। तो लीजिए, हमने ये अपने जो चीले बनाना है ना, उसका घोल हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और पैन वो तवा रखते हैं। चलिए गैस ऑन कर लेते हैं। ये हमारा तवा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके बैटर को हम फैला देंगे। ये तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो हम इस पर हल्का तेल स्प्रेड कर देंगे। और जो ये घोल हमने बनाया है इसको फैलाएंगे। आप इसमें और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया है और गाजर वगैरह। मतलब मैंने तो इसमें बस ये हरी मटर का यूज किया है। आप अपने मनपसंद सब्जी इसमें मिक्सर में ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। गैस को मतलब धीमी कर दें और धीमी आंच में इसको सिकने दें। थोड़ा सा इसके ऊपर भी तेल स्प्रेड कर देंगे और इसको ब्राउन होने तक हम सेकने देंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज कर लें। और एक मिनट तक इसको सेकने दें। बीच में अगर आपको लगे कि फ्लेम ज्यादा तेज है तो इसको आप धीमी भी कर सकते हो।
ये हमारा चीला सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे और इसको भी ब्राउन होने तक धीमी आंच पर इसको सिकने देंगे। तो देखिए ये हमारा चीला सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने सेक लिया है और इसी तरह हम दूसरे चीले भी सेक लेंगे। ऑयल स्प्रेड कर देंगे और धीमी आंच पर इसको सिकने देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मतलब जो भी आप रेसिपी देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो ये हमारा चीला भी इधर सिक चुका है। अब हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सिक गया है और दूसरी साइड भी ऐसी सिक जाए। तो लीजिए ये हमारा चीला भी सिक गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। मैं इसको हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप मूंगफली की चटनी मतलब जो भी आप चटनी मतलब पसंद करते हो, सॉस वगैरह या मेयोनीज वगैरह जिसके साथ आप पसंद करते हो तो उससे आप सर्व कर लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।